दोस्तों नमस्कार, ये हम करेंगे टीट फिस्टूला की सर्जरी। तो रिंग ब्लॉक कर रहे हैं, जब भी टीट की सर्जरी करें दोस्तों, ये गिर नस्ल की गाय है जिसमें टीट फिस्टूला और दो चार दिन पुराना केस है। एक प्रैक्टिशनर आके करके भी गए लेकिन हुआ नहीं ठीक, तो ये हमने लगा दिया रिंग ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, फिर ये साफ़ कर रहे हैं लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड से रिंग ब्लॉक करके, फिर ये लाल दवा से हमने साफ़ किया इसको, क्योंकि गला सा ये मामला है, यहाँ पर इन्फेक्शन भी है, थोड़ा टिश्यू डेब्रीज तो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो मरे हुए हैं उनको हमने हटा दिया है। देखिए कैंची से भी हम इसको साफ़ कर रहे हैं और ब्लेड से भी साफ़ करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये जितने भी ख़राब से ये लफूसड़े हैं, तंतु हैं, तांते हैं, ये जो लटके हुए से हैं ख़राब से इस घाव में, तो काफ़ी बड़ा घाव है इस टीट में, और इसी में से इस घाव में से दूध भी आ रहा है दोस्तों। जो मेन टीट के नाला नीचे एक्सटर्नल ओपनिंग, वहाँ से नहीं आ रहा और इसी में से आ रहा है, इसी को बोलते हैं टीट फिस्टूला दोस्तों। जब टीट कैनाल बाह्य वातावरण के संपर्क में आ जाए, दूध बाहर उसी में से निकलने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज टीट फिस्टूला। तो देखिए दोस्तों, हमने ये टीट फिस्टूला की सर्जरी की, टाँके वाँके लगाए साफ करके। टाँके लगाते समय हमने आपको बताया नहीं, हम बाद में बताएंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेज में, या फिर हम हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उन्हीं को बताते हैं दोस्तों। तो फिर ये देखिए, हमने इसको पूरा टाँका लगा के, ये देखिए नॉर्मल सलाइन में आयोडीन डाल के हमने इसको पूरा साफ़ कर दिया अंदर से, और फिर लेवी वाली ऑइंटमेंट, ये देखिए लेवी वाली हरे रंग की ऑइंटमेंट, ये हमने इसको लगा दी दोस्तों, ठीक है एक्सटर्नली। और ये देखिए बाहर से भी इस नॉर्मल सलाइन और आयोडीन के पानी से हमने धो दिया दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों जिस टीट की हमने सर्जरी की थी, जो बहुत ही डैमेज था, और पहले किसी प्रैक्टिशनर ने टाँके भी लगाए थे और आपके सामने हमने दोबारा से उनको निकाल लिया क्योंकि टाँके भी गड़ गए थे। अब देखिए हमने नॉर्मल सलाइन में दोस्तों थोड़ा आयोडीन डाला था, 20 ml 500 ml नॉर्मल सलाइन में वो अंदर इन्फ्यूज़ किया टीट में, और ये देखिए वो वापस आ रहा है इस टीट कैथेटर की मदद से, टीट कैथेटर की मदद से वापस आ रहा है, धड़ाधड़ लगातार आते जा रहा है दोस्तों। कब से इस प्यासी ज़मीन पर बारिश की एक बूंद ना गिरी, मगर आज इस टीट से तूफान आ रहा है दोस्तों। ये देखिए लगातार, ये इधर से भी मैं दिखाऊँ तो आपको लगेगा कि कितना शानदार, ये देखिए कितनी अच्छी। और जब आपने पहले काम शुरू किया था तब भी आपने देखा होगा दोस्तों, तो काफ़ी हालत ख़राब थी इसकी, ठीक है दोस्तों। तो देखो आराम से आ रहा है, ठीक है, ये हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 5 ग्राम और इंजेक्शन टोलफिनेमिक एसिड 30 ml इसको लगाएंगे, और इंट्रा मेमोरी दोस्तों मेस्टिवोक जो इंट्रा मेमोरी आती है वो इसको 5 दिन तक लगाएंगे ओडी, ताकि जहाँ हमने टाँके लगाए वहाँ भी और अंदर इन्फेक्शन ना हो, मेमोरी ग्लैंड में, अडर में, टीट कैनाल में इन्फेक्शन ना हो। आपके सामने गिर नस्ल का टीट फिस्टूला का इलाज, बिगड़ा हुआ केस दोस्तों, बिगड़े हुए केस ही आते हैं हमारे पास ज़्यादा। ये बहुत ही बड़ा गिर फार्म है, सामने आप देख सकते हैं गिर ही गिर नस्ल की गायें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे से वीडियो के साथ। वेट गुरु राधे चैनल से जुड़े रहिए, मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी आपका बहुत स्वागत करता हूँ वेट गुरु राधे चैनल में। इससे जुड़ने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।